अगर आप किसी भी पोम का सेंट्रल आइडिया पहले पढ़ लेते हैं तो उस पोम के ऊपर आपका एक पकड़ बन जाता है और आपको पोम जो है आसानी से समझ में आएंगे। सो इसलिए आज मैं लेकर आया हूँ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम और टाइगर इन द जू। सो विदाउट अ फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। द मेन आइडिया ऑफ द पोम और टाइगर इन द जू इज अबाउट द टाइगर दैट इज बींग कैप्टिव इन अ जू। सो ये पोम में जो है एक मेन आइडिया क्या है कि इस पोम में एक टाइगर जो है एक जू में रखा गया होता है। इट कैप्टिव का मतलब होता है किसी भी एक प्रिजनर बना के रखना, एक जेल में डाल के रखना, दैट इज कैप्टिव। तो यहाँ पे एक टाइगर है, उस टाइगर को एक जू में डालकर रखते हैं। इट एक्सप्लोर्स हाउ द टाइगर फील्स ट्रैप्ड एंड लॉन्ग्स फॉर इट्स फ्रीडम। और ये पोम हमें बताते हैं कि टाइगर को कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है जब उस टाइगर को एक पिंजरे में रखा जाता है और वो टाइगर एक फ्रीडम के लिए एक डिजायर रखते हैं, ठीक है, एक आशा रखते हैं। तो इस चीज़ के बारे में ये पोम हमें बताते हैं। पोम ऑल्सो शोस हाउ द स्पीकर एम्पथाइज विथ टाइगर सिचुएशन एंड रिफ्लेक्ट ऑन द सैडनेस एंड फ्रस्ट्रेशन। सो ये पोएम में एक और चीज़ दिखलाता है कि जो स्पीकर जो है, स्पीकर टाइगर के सिचुएशन के ऊपर टाइगर को जो जैसे महसूस कर रहा है, ठीक है ना, इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं कि टाइगर कैसा महसूस करता है कि वो एक सैडनेस फील करता है, एक फ्रस्ट्रेशन फील करता है। जो चीज़ टाइगर फील कर रहा है इस चीज़ के ऊपर एक तरीके से सिंपैथी दिखाते हैं या एम्पैथी दिखाते हैं। ओवरऑल द पोम टॉक्स अबाउट कैप्टिविटी एंड द डिज़ायर फॉर फ्रीडम। और अंततः ये पोयम जो है टाइगर की मन में जो एक इच्छा जो है, एक फ्रीडम के लिए इच्छा जो है, ठीक है, इस चीज़ के बारे में दिखाते हैं। साथ ही साथ टाइगर जो वहाँ पर बंद होकर वहाँ पर बैठा है, इस चीज़ के बारे में भी बात करते हैं ये पोम। और साथ ही साथ टाइगर जो वहाँ से निकलना चाहते हैं, एक फ्रीडम चाहते हैं, इस चीज़ के बारे में भी ये पोम बताते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये छोटा सा सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम समझ में आएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।